ये अमेरिका का झंडा है जो इस वक्त जल रहा है। शायद इससे पहले आपने ऐसा झंडा ना देखा हो जो उसी के देश में जल रहा हो, लेकिन अमेरिका में ऐसा हो रहा है और अमेरिका के कट्टर दुश्मन के समर्थन में ये हो रहा है, लेकिन अमेरिका एकदम खामोश है। जो सवाल खड़े कर रहा है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, कि अमेरिका में उसी देश का झंडा जल रहा है, सड़कों पर उसी के दुश्मन देश के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, सड़कें जाम हो रही हैं, लेकिन बाइडेन खामोश है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन इन दिनों अमेरिका में रह रहे लोग ईरान के समर्थन में उसी का झंडा चला रहे हैं। अमेरिका के कई राज्यों में ईरान समर्थकों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल ईरान की ओर से इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार करने के बाद अमेरिका के इलिनोइस, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और पैसिफिक नॉर्थवेस्ट सहित कई हिस्सों में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के चलते अमेरिका के कई सड़कें जाम हो गई हैं और कुछ हवाई अड्डों और नेशनल हाईवे पर लोगों को आवाजाही में खूब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी शहर मैनहट्टन में तो प्रदर्शनकारियों ने हिजबुल्ला का बैनर लहराया और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे तक लगाए। दरअसल एक व्यक्ति हिजबुल्ला का झंडा पकड़े हुए दिखा, झंडे पर असॉल्ट राइफल की तस्वीर बनी हुई थी और उस पर द इस्लामिक रेजिडेंस इन लेबनान लिखा हुआ था। वहीं कई प्रदर्शनकारियों को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी झंडा जलाते हुए देखा गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका की कई सड़कों को जाम कर दिया और हवाई अड्डे पर भी कई प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। जब पुलिस ने इन्हें यहां से हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। दरअसल इसराइल ने 2 सप्ताह पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने इसराइल पर हमला किया। दोनों देशों के बीच दशकों से जारी दुश्मनी के बीच ईरान ने पहली बार इसराइल पर सीधे तौर पर सैन्य हमला किया। ईरान ने इसराइल पर हमले के दौरान सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें दागी, लेकिन इसराइल ने उन्हें ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद ईरान समर्थक अमेरिका की सड़कों पर आ उतरे। खैर, अभी अमेरिका में उसके दुश्मन देश ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। फिलहाल कहा जाता है कि पहले अमेरिका और ईरान के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों के बीच तनाव की शुरुआत तेल को लेकर हुई। ईरान में भारी मात्रा में कच्चे तेल का भंडार मिला। इसे पाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान में अपनी पसंद की सरकार लानी चाही। वहीं ईरानी जनता की अपनी पसंद थी। ये देखते हुए साल 1953 में अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट कर दिया। जनता के चुने हुए पीएम को हटाकर अमेरिका ने अपने पसंद के शाहराजा पहलवी को सत्ता दे दी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब अमेरिका ने अपनी ताकत के दम पर ईरानी सत्ता में सीधा दखल किया। अमेरिका के अपना नेता थोपने पर ईरानी जनता के भीतर गुस्सा उबलता रहा और ईरान में क्रांति हो गई। ईरान में आयतुल्लाह रूहुल्ला खुमैनी बागी दल के अगुआ थे। उन्होंने अमेरिका की चुनी हुई सरकार के रहते हुए ही अपनी सरकार खड़ी कर दी। इस तरह से ईरान में एक ही वक्त में 2 प्रधानमंत्री हो गए। ईरान में अमेरिका के खिलाफ क्रांति काफी समय तक चली। ईरानी सेना आयतुल्लाह रूहुल्ला खुमैनी के साथ थी, जिसके बाद आखिरकार ईरान में युद्ध हुआ, जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध था, लेकिन दिखाई ये गृह युद्ध की तरह दे रहा था। वो नेता हार गया जिसे अमेरिका का सपोर्ट मिला हुआ था। आयतुल्लाह रूहुल्ला खुमैनी की जीत हुई और साल 1979 में हुई इस लड़ाई के बाद ईरान एक इस्लामिक गणतंत्र हो गया। इसके बाद से ही वो ज्यादा रूढ़िवादी होता गया। खुमैनी की सरकार ने अमेरिका की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया और पक्की कट्टरवादी सरकार बनाई। इस तरह अमेरिका से उसके संबंध खराब होते चले गए। ये संबंध और बिगड़े जब इराक और ईरान की लड़ाई में अमेरिका ने इराक का साथ दिया। ये साल 1980 की घटना है। लड़ाई लगभग 8 सालों तक चली, लेकिन अमेरिका के साथ के बाद भी इराक हारा और ईरान सब पर भारी पड़ा। इससे अमेरिका और ईरान के बीच खटास और बढ़ गई। इराक ईरान युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ था। अमेरिका और पश्चिमी देशों को हरदम अपने खिलाफ खड़ा देखकर ईरान ने खुद को परमाणु हथियारों से लैस करने की मुहिम छेड़ दी। साल 2002 में पहली बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम की भनक दुनिया को लगी। तब अमेरिका और भड़क गया और उसने दूसरे यूरोपियन देशों से बात करके ईरान पर व्यापारिक पाबंदियां लगा दी।
जिसके तहत ईरान के साथ हथियार का व्यापार नहीं हो सकता था, खासकर वो हेलीकॉप्टर और फाइटर मिसाइलें नहीं खरीद सकता था। कोई भी देश उसकी मदद करेगा तो उसे भी प्रतिबंधों का सामना करना होगा, ऐसा अमेरिका ने कहा। साथ ही साथ पाबंदी के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल सभी वैज्ञानिकों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों की संपत्ति भी फ्रीज कर दी गई। वक्त आया साल 2015 का, जब ईरान ने परमाणु कार्यक्रमों को रोकने का वादा किया। बदले में संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में उस पर लगी पाबंदियां हटाने का वादा किया था। तब ओबामा की अमेरिका में सरकार थी, लेकिन साल 2017 में ट्रंप ने आते ही प्रतिबंध हटाने से मना कर दिया और उसे अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया, जिसके बाद ये लगातार बढ़ता ही गया और इस समय अमेरिका में बाइडन की सरकार है। दूसरी ओर ईरान भी अमेरिका से चिढ़ा हुआ है, खासकर जनरल सुलेमानी की अमेरिकी हमले में मौत के बाद से ये देश परमाणु हथियारों के बनाने में तेजी ला चुका है, यहाँ तक कि वो साल 2015 में हुए समझौतों को भी नजरअंदाज कर रहा है। उसका खुला ऐलान है कि मौका मिलने पर वो अमेरिका को जरूर जवाब देगा और जनरल की मौत का बदला भी लेगा, जिसके बाद अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर कई आरोप लगाते रहे हैं। खैर, अब जब ईरान के समर्थन में अमेरिका का झंडा उसी के देश में जल रहा है, ऐसे में ईरान का कट्टर दुश्मन देश अमेरिका क्या अपने लोगों के आगे लाचार हो जाएगा या कोई बड़ा कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।